हम एग्जांपल में थे जी, एग्जांपल हम यहां से लेते हैं, पोस्ट प्लांट हैज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years and it is expected that plant shall generate future cash flow of rupees 150,000 each year. ठीक है, अब आपसे अगर मैं कहता हूं जी कैलकुलेट करें, VIU mean value in use, तो पहली चीज आपने ये ज़हन में रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैश फ्लोस इक्वल हैं, यानी आपको नेक्स्ट 5 ईयर की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है और 5 ईयर्स तक ये हमें 150,000 हर साल कैश फ्लो जनरेट करके देगा। एक चीज ऐड कर लीजिएगा, वो रहेगी डिस्काउंट रेट, दिया होगा क्वेश्चन में, सपोज वो डिस्काउंट रेट कहते हैं 9% है, तो जहां पर आपके फ्यूचर कैश फ्लो इक्वल हो जाए तो आपका एक एन्युटी का कॉन्सेप्ट जो है, आपका एन्युटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट होता है, एन्युटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। और एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे जो कि आप क्यूएमएस में भी पढ़ चुके हो, प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है ऑफ एन्युटी, ये एक वर्ड लगा रहा हूं, ये एन्युटी है, ठीक है, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस i raised to power minus n divided by i। सिंपल, इस फॉर्मूले के थ्रू हम वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे, यानी ये जो प्रेजेंट वैल्यू है यही मेरी वैल्यू इन यूज कहलाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, r, r मीन रेगुलर अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, दैट इज 150,000 विच इज नोन एज एन्युटी, इनटू 1 माइनस अब 1 प्लस i इंटरेस्ट रेट, यानी डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है 0.099% को आप इस तरह लिखते हो 0.09, और कितने साल तक ये हमें कैश फ्लो जनरेट करके देगा, 5 ईयर्स तक, तो -5 / 0.09 i। अब आप लोग जरा कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। ये अमाउंट आ रही है 583,448, ठीक है, दिस वन इज वैल्यू इन यूज। ये वैल्यू इन यूज उस वक्त कैलकुलेट करनी है जिस वक्त आपको फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल दिए हो, तो आप सिंपल ये फार्मूला पुट करें और फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर दें, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में आएंगे, नंबर टू, व्हेन future cash flows are not same, cash flows are not same, मैं discount rate 9% ही रखूंगा, ठीक है। तो अब future cash flow funds करें, यही 5 years है, लेकिन cash flow हमें देगा 5 years के। अब मैं उसको table में convert कर लेता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं years, यानी 5 years है, 1, 2, 3, 4 and 5, और यहां पर हमें फ्यूचर कैश फ्लोज गिवन होंगे, कैश फ्लोज। अब सपोज वो फर्स्ट ईयर में वो कहते हैं जी कैश फ्लो जो है 180,000 होगा, उसे नेक्स्ट ईयर में कैश फ्लो 150,000 होगा, थर्ड ईयर में कैश फ्लो
110,000, फोर्थ ईयर में कैश फ्लो 140,000 और फिफ्थ एंड फाइनल ईयर में 160,000। ये डिफरेंट कैश फ्लोज आ गए। और ये याद रखिएगा, अगर फाइव में से फोर कैश फ्लो इक्वल भी हो और एक चेंज हो जाए तब भी आप उसको टेबल में करेंगे। यानी ऊपर फार्मूला सिर्फ वहां अप्लाई हो सकता है जहां कैश फ्लो हर साल का इक्वल हो। अब मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? मुझे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, 9% डिस्काउंट रेट ही लूंगा 9% पे। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर निकालना हो तो आप सिंपल क्या करते हैं, 1+i^(-n). मिसाल के तौर पे फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है तो ये मैं कैलकुलेट करूंगा 1.09^-1। ठीक है जी। अब अगर इसको कैलकुलेट किया 1.09^-1 तो ये आ रहा 0.917। इसको तीन डेसिमल तक हम लेते हैं क्योंकि इसकी जो टेबल भी आपको प्रोवाइड कर सकता है एग्जामिनेशन में, आपको टेबल भी प्रोवाइड की जाती है, आप टेबल से भी ये वैल्यू देख सकते हो, लेकिन इट इज इजी टू कैलकुलेट। तो इसके बाद अगर अगली वैल्यू देखें तो मैं कैसे लूंगा 1.i^(-n), फार्मूला वही रखना है लेकिन अब सेकंड ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 1.09^(-2), तो ये आ जाएगा 0.81842, राउंडिंग करके 0.842। ठीक है जी। इसी तरीके से अब मैं वैल्यू पुट करता हूं 3, तो 3 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.772। इसी तरह अगली वैल्यू पुट करता हूं 4 पुट करूंगा तो 0.708। और आखिरी वैल्यू पुट करता हूं 5^-5, विच इज 0.650। ये 5 आपने वैल्यूज निकाल ली। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते जाए, इस फॉर्मूले में आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, इसका एक आसान तरीका भी होता है, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लें। अब मैं लूंगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है जी। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हमने क्या करना है, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करते जाना है, वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी 180,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.917 से, तो 165060। इसी तरह 150,000 into 0.842, which is 126,300। उसके बाद 110,000 into 0.772, 84,920। उसके बाद 140,000 into 0.708, 99,120। और लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 160,000 into 0.65, 104,000। ये सारी सिंपल मल्टीप्लाई करते गए, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, इसको सम कीजिएगा। This is known as value in use। ठीक है जी, ये दो मेथड होते हैं आपके कैलकुलेट करने के, वैल्यू इन यूज, या अगर कैश फ्लो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो आप ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इक्वल नहीं होंगे तो फिर आप इस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको वो आसान तरीका बता दूं कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, आपने अपना कैलकुलेटर अपने पास रखना है और ये मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। अब चूंकि 9% डिस्काउंट रेट है, मैं करूंगा 1 divided by
1.09। ये साथ साथ कैलकुलेटर पे जरा कैलकुलेट कीजिएगा, 1 divided by 1.09। आप देख सकते हो सेम वही आंसर आपको नजर आएगा जो मैंने लिखा हुआ है, 0.917। अब इस आपने इसको कैंसल नहीं करना, कैंसल नहीं करना, बल्कि इसी को दोबारा डिवाइड कर देना है 1.09। ठीक है, अब मैं इसी को आंसर को डिवाइड कर देता हूं 1.09 पर। अब ये मेरा आंसर आप देख सकते हो दूसरी वैल्यू आ गई 0.842। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आपने कुछ नहीं करना, कोई डिवाइड शिवाइड कुछ भी नहीं करना, सिंपल इक्वल दबाते जाएं आपकी वैल्यू आती जाएगी। अब जैसे मैंने इक्वल दबाया, इसके बाद सिर्फ इक्वल दबाते जाना। अब इक्वल दबाया तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0.772, उसके बाद फिर इक्वल दबाया, पुश कनेक्ट 0.7। आप देख सकते हो वैल्यूज आती जा रही है खुद बहुत, सिर्फ इक्वल दबा रहा हूं। इक्वल के यहाँ पर बेसिक लॉजिक ये होता है कि वो फंक्शन को रिपीट करता जाता है जो आपने फंक्शन किया है। ठीक है, और ये जो दो मरतबा मुझे करना पड़ा, ये चाइनीज कैलकुलेटर की निशानी है। ठीक है, अगर जापानीज होता तो एक दफा करता तो मैं इक्वल वादा जाता है वैल्यू आ जाती है। अगर बाजार से लेने जाओ तो चेक भी कर लेना तो जापानीज है या चाइनीज है। ओके, आगे बढ़िए। अब मैं जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। स्टैंडर्ड मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, छोटा सा स्टैंडर्ड था, सिर्फ मैंने अब आपसे डिस्कस करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। What is the accounting treatment of impairment loss? Accounting treatment. Of impairment loss. जब भी आपका इंपेयरमेंट लॉस आप रिकग्नाइज करते हो तो आप हियर एंड पर एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और वो एंट्री क्या होती है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और क्रेडिट करेंगे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस। ये कंबाइन हेड हो जाता है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट कहां कहां जा रहा है वो भी देखते हैं। जब मैंने डेबिट किया इंपेयरमेंट लॉस तो पहला इफेक्ट जो हमें नजर आ रहा है, फर्स्ट इफेक्ट, इंपेयरमेंट लॉस शैल बी चार्ज एज एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे एसओसीआई में। ठीक है, नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। नंबर टू, कि ये जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट किया है, this accumulated amount depreciation and impairment loss shall be deducted from relevant asset ye relevant asset mein se hum isko less kar denge। अब ये एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, तो मैं इसके बाद पूरा एक्सट्रैक्ट शो करता हूं, लेकिन इससे पहले हम एक्सट्रैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। यहां पर आप शो करोगे इंपेयरमेंट लॉस, और ये एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, जितनी भी अमाउंट होगी आप इसको यहां शो करके माइनस में शो कर देंगे। ठीक है, और दूसरा फिर आप शो करोगे स्टेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम,
फाइनेंशियल पोजीशन सॉरी। अब इसमें आप जो भी रेलिवेंट एसेट होगा, मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एक एसेट ले लेता हूं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही वर्ड लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप जो इसकी कॉस्ट है उसमें से आप लेस कर दोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। इसको लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप यहां लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और जरा सॉल्व करते हैं। मैं एग्जांपल आपके सामने निकाल लेता हूं, आप इधर उधर क्वेश्चन कर सकते हो। सर जी जी सर, जो वैल्यू इन यूज में जो कैश फ्लोज दिए होते हैं वो कभी हमने खुद भी कैलकुलेट करने होते हैं क्वेश्चन में? नहीं नहीं, ये गिवन होते हैं, ये खुद कैलकुलेट प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं हम कर सकते ना, ये गिवन होंगे, लाजमन गिवन होंगे। सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी इंपेयरमेंट लॉस है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। एक्जेक्टली, जैसा डेप्रिसिएशन होता है इसी तरह इंपेयरमेंट लॉस होता है, ये दोनों ही आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। जी, अब मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये मैं अभी आपको क्लास खत्म होगी तो मैं आपको भेज भी दूंगा क्वेश्चंस भी। जी, ये IS 36 के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, मैं व्यू जरा इसको एनलार्ज कर दूं, आपको नजर सर ठीक तरीके से आ जाएगा, 150% ले जाते हैं। चलिए देखें, एज पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, PQR एंड कंपनी, ऑटम 2007 में आया हुआ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका। पहले रिक्वायरमेंट चेक कीजिएगा, कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन ईच एसेट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इसमें 3 एसेट दिए, तीनों के आपने इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना अगर है तो, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं, एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रूटीन PQR एंड कंपनी इज टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स टू असर्टेन द इंपेयरमेंट इफ एनी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स। देखें यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, WDV गिवन है, यानी हमें डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी, ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है। वैल्यू इन यूज गिवन है, यहाँ पर कैलकुलेटेड है, हमें कैलकुलेट नहीं करनी। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, याद रखिएगा फोर्स्ड सेल्स वैल्यू नहीं लेनी आपने। फोर्स्ड सेल वैल्यू होती क्या है कि अगर आप जैसे प्रेशर में कोई चीज को बेचते हैं, इमीडिएटली बेचते हैं, जैसे आपके ऊपर एक प्रेशर है कि जी मुझे ये कैश चाहिए ताकि मैं पेमेंट कर सकूं, उस सूरत में डेफिनेटली मार्केट प्राइस गिर जाती है, ये फोर्स्ड सेल वैल्यू आपने नहीं लेनी, आपने लेनी है फेयर वैल्यू, जो आगे गिवन है, ठीक है, फेयर वैल्यू। तो ये उसने कॉलम सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, फोर सेल्स वैल्यू। इससे नीचे लिखे, एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू पब्लिक टेंडर विच कॉस्ट अराउंड ₹50,000, यानी कोई भी आप एसेट जब सेल करोगे तो वो आप टेंडर के थ्रू करोगे जिस पर आपकी 50,000 कॉस्ट आएगी, ये आपकी NRV में यूज होगी। Asset A and C are required to be dismantled at the time of sale at cost of dismantling ₹100,000 and ₹200,000 respectively. ये भी उसकी selling cost में आएगी NRV में। Reason ये है कि जब तक dismantle नहीं करोगे तो आप sale ही नहीं कर सकते, इसलिए इस cost को भी लेना है। Sales agreement of the assets are prepared by the company's legal advisor whose annual fee is ₹365,000. It takes about 4 days to draft a sales agreement, ठीक है? अब इसके अलावा वो ये कह रहा है जी कि हमने एक legal advisor भी हायर किया हुआ है, और legal advisor जो है उसको हमने annual 365,000 रुपीस देने हैं, और वो एक ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए सेल के 4 days लेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 4 days की कॉस्ट को एड करना चाहिए,
तो ये जो लीगल एडवाइजर की कॉस्ट है ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी एसेट को सेल नहीं करता तब भी मुझे उसको 365,000 देना है, और सिर्फ उसको सेल्स एग्रीमेंट के लिए नहीं रखा, वो लीगल एडवाइजर है। कोई भी लीगल इश्यू कंपनी में आएगा हम उसको उसी से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये कॉस्ट आपने कहीं नहीं लेनी। अब आप इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। बोर्ड पे आए हम, अब इस वक्त क्वेश्चन तो आपके पास नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आपके सामने दिया था कि एक दफा मैं दोबारा शेयर करता हूँ, जरा पिक्चर ले लें उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सारे स्टूडेंट्स की पिक्चर लाएं। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। बोर्ड में आते हैं, देखिए मुझे कैलकुलेट करना है इंपेयरमेंट। जब भी इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना हो आपने एक टेबल बना लेनी है, सबसे आसान तरीका। ये क्वेश्चन नंबर वन, यहां पर एसेट्स लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास थ्री एसेट्स हैं, ए बी सी, वो तीनों लिख लेता हूं, ए बी और सी। सबसे पहले उस इंपेयरमेंट टेस्ट की जो फ्लो चार्ट है उसको माइंड में रखिएगा। सबसे पहले मुझे कैरिंग वैल्यू चाहिए, कैरिंग वैल्यू, ये मीन WDV, और ये जितनी अमाउंट है ये सारी रुपीस इन थाउजेंड दी हुई है, सारी अमाउंट। अच्छा, अब कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी है। ए की जी 3200 यानी 3.2 मिलियन, बी की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें 1.5 मिलियन, सी की कैरिंग अमाउंट 1.7 मिलियन। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू इन यूज और NRV। तो पहले जरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि इनमें से जो हायर होगी वही मेरी NRV रिकवरेबल अमाउंट होगी। NRV पहले कैलकुलेट कीजिएगा। अब NRV के लिए मुझे वर्किंग छोटी सी बना लेते हैं, वर्किंग वन। अब वर्किंग वन में आइएगा जी, NRV हम पढ़ चुके हैं, सेल्स प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, इसको कितने में सेल करेंगे और उसकी उस पर कॉस्ट क्या आएगी। तो जरा देखिएगा, ए एसेट जो है उसकी जो सेल्स वैल्यू है यानी जिसको फेयर वैल्यू कहोगे, मैंने अभी आपको समझाया फोर्थ सेल वैल्यू नहीं लेनी, फेयर वैल्यू लेनी है, विच इज 2500,000। सो ए का कैलकुलेट करें तो 2500, पहले मैं तीनों की फेयर वैल्यू लिख लेता हूं। बी की फेयर वैल्यू, बी को हम सेल कर सकते हैं 1.4 मिलियन में, सी को हम सेल कर सकते हैं 2 मिलियन में, 2000। ये सारी कैलकुलेशन भी 2000 में है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू पब्लिक टेंडर विच कॉस्ट अराउंड 50,000, यानी जिस एसेट को भी बेचूंगा वो सेपरेट टेंडर होगा तो उसमें 50,000 की कॉस्ट होगी। तो 50 तीनों में से लेस कर दीजिएगा, तीनों में से 50 50 50। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर वो कहता है, एसेट ए एंड सी आर रिक्वायर्ड टू बी डिसमेंटल्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स and the cost of dismantling is 100,000 and 200,000, yani sirf a aur c ko dismantle karna padega, a pe 100 ki cost aayegi aur c par 200 ki cost aayegi, b ko dismantle karne ki zarurat nahi hai as per question। ab isko calculate karo to ye nrv aa jayega, a ki nrv calculate karenge to 2350, b ki nrv 1350 और सी की NRV 1750। अब जैसे NRV कैलकुलेट हुई, मैं ये वर्किंग वन यहाँ कॉलम बनाया था NRV का, ये अमाउंट यहाँ ले आऊंगा 2350,
1350 and 1750. अच्छा एनआरवी के बाद अब सेकंड आएगी वैल्यू इन यूज, और इस क्वेश्चन में मुझे कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, बिकॉज वैल्यू इन यूज इज गिवन इन अ क्वेश्चन। एक एक वैल्यू इन यूज उसने दी है 3100, बी की वैल्यू गिवन है 1200 और सी की जो वैल्यू आ रही है वो 1500। ये तीन वैल्यूज आपने यहां लिख दी। अब इन दोनों को कंपैरिजन करके आप कैलकुलेट करूंगा मैं रिकवरेबल अमाउंट। स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को माइंड में रखना है। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ एनआरवी एंड वीआईयू, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और नेट और सॉरी वैल्यू इन यूज में से जो हायर है वो लेंगे। तो अगर देखें 2350 और 3100 में से जो हायर वैल्यू है वो 3100 आ गई, ये रिकवरेबल अमाउंट आ गई एसेट ए की। सेम इसी तरीके से 1350 और 1200, यानी यहाँ हायर अमाउंट जो है वो एनआरवी है, आप हायर अमाउंट 1350 लिखोगे। सी में भी आपकी हायर वैल्यू जो है वो एनआरवी है 1750। ठीक है, तो एज पर डेफिनेशन आपने कैलकुलेट किया हायर ऑफ दीज टू वैल्यूज इज अ रिकवरेबल अमाउंट। आखिरी कॉलम अब मैं बनाऊंगा इंपेयरमेंट लॉस, जो उसने कहा है कि कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो इंपेयरमेंट लॉस कब होगा, ये हमने अभी पढ़ा था, व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। यानी इस कॉलम को मैं इस कॉलम से कंपेयर करूंगा। अब दरमियान वाले दो जो कॉलम है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी मदद से मैं ये कैलकुलेट कर चुका हूं। ठीक है, अब जरा इन दोनों का कंपैरिजन करें। अगर ये अमाउंट कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो इंपेयरमेंट लॉस है। सर अब पहली वैल्यू देखिएगा, दिस वन इज 3200 और यहां पर 3100, सो द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर दैन इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 100,000 इज आवर इंपेयरमेंट लॉस अगेंस्ट एसेट ए। सेम बी में आते हैं, कैरिंग अमाउंट 1500, रिकवरेबल अमाउंट 1350। Again, you can see the carrying amount is greater than the recoverable amount and difference is known as impairment loss. लेकिन जब मैं C में आऊंगा तो C की carrying amount 1700 है और recoverable amount 1750 है, तो यहाँ पर carrying amount आपकी greater than recoverable amount नहीं है, बल्कि यहाँ पर shorter है, lesser है या recoverable amount ज्यादा है, तो इसके मुताबिक आप लिखोगे there will be no impairment loss, zero. So overall loss जो हमारा impairment का हुआ इस question में वो 250 का है। ठीक है, और ये question 7 marks का है, तो short questions के अंदर इस किस्म का question वो आपको दे सकता है। अब मैं next question की तरफ आता हूं, एक question और भी discuss कर सकते हैं आज हम। जी excuse me sir, I have a question sir। सर ये अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं है तो ये फिर जो अमाउंट है ये कहाँ एडजस्ट होगी, ये अमाउंट कहाँ जाएगी फिर? ये अमाउंट जाएगी एक तो आपके ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पर, दूसरा एसेट की वैल्यू में से कम हो जाएगी, एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में ऐड होगी और वहां से लेस हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको कर देता हूँ, अगर आप कहते हो मैं वो भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा मैं दोबारा उसी स्लाइड पे आता हूँ, ये आपने कैलकुलेशन किया, अब ये 250 की अमाउंट आई, ये 250 की अमाउंट कहाँ जाएगी, जिस वक्त मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा एसओसी आएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, तो यहां पर आप शो करोगे इंपेयरमेंट लॉस और इंपेयरमेंट लॉस इस क्वेश्चन। जी एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज कि इंपेयरमेंट लॉस यहां पर आपने कहा कि सी में नहीं आ रहा क्योंकि कैरिंग वैल्यू जो है लेस देन recoverable amount, तो ये वाली amount जो हमने impairment loss को हमने नहीं transfer करनी, तो ये amount जो 50 का difference आ रहा है ये कहाँ जाएगा, ये question का? इस 50 के difference को कुछ भी नहीं करना, not to be adjusted, ठीक है? इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ loss है ही नहीं है और gain आप recognize कर ही नहीं सकते prudence के मुताबिक। prudence आपको क्या कह रहा है
कि लॉस, अगर मैं लॉस और गेन की बात करूं, लॉसेस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अकर्ड एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज्ड. तो इसका मतलब एसेट पर गेन तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता जब तक मैं इसको एक्चुअली डिस्पोज नहीं करूंगा. ठीक है, तो इस 50 जो आपका वो आंसर आ भी रहा है, जो लिखा नहीं है, जीरो लिखा है, तो वो आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना. ठीक है, तो अब इसको मैं मुकम्मल कर देता हूँ आपको. ये 250 की अमाउंट जो इन थाउजेंड, ये मेरी यहां पर आ जाएगी एज एन एक्सपेंस. और जिस वक्त मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, तो जब मैं यहां लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट गिवन है, कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो मैं कैरिंग अमाउंट लूंगा, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. तो ये 3200 और ये भी 3200, यानी टोटल इसका 6400, ये बिफोर इंपेयरमेंट लॉस है. ठीक है, मैं 6400 यहां लिखता हूं और इसमें से मैं लेस कर दूंगा इंपेयरमेंट लॉस. ओके, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस है, तो ये 250 इसमें से लेस करोगे तो ये आ जाएगा 6150,000. ये अमाउंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम इसको ट्रांसफर करते हैं. ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. और ये क्वेश्चन नंबर 2, इसकी भी पिक्चर ले लीजिएगा आप, फिर इसको डिस्कस करेंगे. जी लोधी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड is facing severe financial difficulties. To improve the cash flows, the management has decided to sell and lease back 3 power generators of the company under 3 different sales and lease back arrangement, which were signed on 15th August 2008. अच्छा, ये जो sale and lease back की जो wording है, ये हमारे standard के हिस्से में नहीं है, हमारे पास यानी हमारे syllabus में नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, हमने सिर्फ impairment loss calculate करना है. ठीक है, The company has assessed that all leases shall qualify as financial lease. Okay. हम सिर्फ वही देखेंगे NRV और वगैरह. तो ये 3 जनरेटर हैं हमारे पास. इसकी इसकी कॉस्ट भी गिवन है, इसकी बुक वैल्यू भी गिवन है. ठीक है, बुक वैल्यू मीन WDV on 15th August 2008. उसके बाद फेयर वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू ऑफ यूज ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में. अच्छा, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग का कॉलम आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये लीज से तो अलग रखता है, हमें सिर्फ फेयर वैल्यू से करना है. ठीक है, और इसके अंदर तो बहुत ही इजी इसलिए है, इसमें किसी किस्म की आप देखो कोई भी एनआरवी गिवन नहीं है, तो ये सिर्फ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी अभी हमने. देखिए, जनरेटर ए में क्या करोगे, सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट चाहिए उसी फॉर्मेट में, ये कैरिंग अमाउंट गिवन है आपको, ये लेंगे सेकेंड कॉलम में. अब मुझे चूंकि रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, उसके लिए 2 चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू एनआरवी. तो एनआरवी जो है वो यही होगी जो फेयर वैल्यू है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपेंस गिवन नहीं है. फिर वैल्यू इन यूज, ये आपको गिवन है. इनमें से जो हायर अमाउंट होगी ना, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी. और उस हायर अमाउंट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ WDV से, अब अगर WDV ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट एसेट की ज्यादा है, तो हमारा इंपेयरमेंट होगी. जरा ये जबानी भी पता लग जाएगा, जरा गौर से देखें. ए की वैल्यू इन यूज है 6000 फेयर वैल्यू, और वैल्यू इन यूज है इसकी, वैल्यू इन यूज है 6500. इनमें से हायर कौन सी है, ऑब्वियसली 6500 हायर है. जो हायर वैल्यू है उसको हम ले लेंगे, ये मैं रेड कलर में इसको कर देता हूँ, जो हायर, ये रेड कलर वाली हायर वैल्यू है. अब ये हायर वैल्यू है तो यही मेरी रिकवरेबल अमाउंट है. अब इस रिकवरेबल अमाउंट को मैं कंपेयर करूंगा कैरिंग वैल्यू से. कैरिंग वैल्यू है मेरे पास 7500,000 और वैल्यू इन यूज है 6500,000. तो कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन वैल्यू इन यूज, तो 1,000,000 का यानी 1,000 का आपका इंपेयरमेंट लॉस है जनरेटर ए के केस, राइट. इसी तरह जनरेटर बी को देखें,
जनरेटर बी में 4000 की अमाउंट है, ठीक है, ये लोअर अमाउंट है, और जो हायर अमाउंट है वो ये 5000 की है, इसको रेड कलर अगेन में कर रहा हूँ, तो ये आपकी हायर अमाउंट हो गई 5000। अब आप इसको भी कंपेयर करो तो कैरिंग अमाउंट 6000 है, रिकवरेबल अमाउंट वो है जो मैंने रेड कलर में लिखी है 5000, तो इनमें से जो आपकी हायर है, सॉरी जो डिफरेंस आ रहा है, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिफरेंस आ रहा है, अगेन आ रहा है 1000 का, तो 1000 इज इंपेयरमेंट लॉस अगेंस्ट जनरेटर बी। सी को देखिएगा, सी की जो फेयर वैल्यू 10000 है लेकिन इसकी वैल्यू इन यूज जो है वो 12000 है, ठीक है जी। अगेन अगर आप देखें तो ये 10000 कम वैल्यू है और ये 12000 हायर है, तो मेरी रिकवरेबल अमाउंट इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू इन यूज ही है, यानी वैल्यू इन यूज इज अ रिकवरेबल अमाउंट। तो अब ये 12000 और ये कैरिंग अमाउंट 7000, अब कैरिंग अमाउंट इज लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अब चूंकि लेस देन है मैं लिखूंगा देयर शैल बी नो इंपेयरमेंट लॉस। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर है, लेकिन इसके अंदर फर्दर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। तो ये आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन अभी लिए। अब एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करूंगा और उसके बाद ये क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो ये क्वेश्चन आपने करके रखने ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर सके, और फिर मजीद क्वेश्चन भी हम करेंगे जो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर गिवन है, ठीक है। पहले इसको कर लें क्योंकि ये जरा कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है जी। अच्छा, अब जब जिस वक्त मैं टेस्ट की बात कर रहा था, ये आखिरी पॉइंट एक छोटा सा मेरे एक चीज माइंड में आई है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिकवरेबल अमाउंट हमने पढ़ा क्या चीज होती है, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और सेकेंड एंड नॉर्मल। अच्छा, स्टैंडर्ड हमें कुछ वर्ड्स यूज करता है, उसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। वो कहता है जी कि इफ वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी कई दफा ऐसा होता है कि वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है, वैल्यू इन यूज इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अगर आप उसको रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो इसका मतलब वैल्यू यूज डिटरमिन नहीं हो सकती। जब आप डिटरमिन नहीं होगी तो याद रखिएगा, देन स्टैंडर्ड हमें कहता है एनआरवी शैल बी अ रिकवरेबल अमाउंट। फिर हायर की तरफ जाना ही नहीं है, एनआरवी शैल बी रिकवरेबल अमाउंट। सेम इसी तरीके से फर्दर वो ये कहता है इफ एनआरवी कैन नॉट बी अवेलेबल या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी एनआरवी है ही नहीं, इस वक्त मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस सूरत में, वैसे ये बहुत कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है, तो वैल्यू इन यूज शैल बी अ रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। यानी उस सूरत में वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट होगी, फिर दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ये, अब मैं सिंपल ये शॉर्ट बात करूंगा और उसके बाद क्लास का टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। वैल्यू इन यूज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एनआरवी जो है वो रिकवरेबल अमाउंट होगी, और अगर एनआरवी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर वैल्यू इन यूज जो है वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट होगी, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस करना था, तो ये हमारा छोटा सा स्टैंडर्ड था। अब नेक्स्ट